प्रदेश का जनजाति बाहुल जिला डूंगरपुर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों को लेकर लगातार सुर्खियों में है और इसी कड़ी में आज बिछेवाड़ा ब्लॉक के कनबा में एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 380 तक पहुंच गया। और इस बीच डूंगरपुर में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें सागवाड़ा के वरसिंहपुर क्षेत्र की इस महिला ने चिकित्सा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में महिला ने कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। मैं अर्चना अशोक त्रिवेदी वरसिंहपुर से हूँ। यहाँ करीबन 3 बजे से लाई गई है कोरोना पॉजिटिव करके, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। नहीं तो मुझे पानी दिया गया है, नहीं यहाँ पे मेडिसिन दी गई है, और कुछ भी सुविधा नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे करीबन सब बेड खाली है, 2-3 लेडीज है सिर्फ, वो भी मेरे से दूर है बहुत। मुझे अलग एक दिया गया कमरा जहाँ पे बहुत सारा कचरा है और गंदगी भी इतनी है कि मतलब यहाँ पे अगर नहीं हम लोग को कुछ बीमारी नहीं भी रहेगी तो भी बीमारी हो जाएगी। और यहाँ पे जो लेडीज पहले से है उनका भी वही कहना है कि वो लोग रोज़ कचरे और पोचे हाथ से करते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ भी चाय भी नहीं दी गई है अभी तक, नहीं कुछ नाश्ता दिया, उससे तो बेहतर हम घर पे अच्छे थे। प्लस कुछ भी नहीं, पानी, मुझे आधे घंटे से माइग्रेन की शिकायत है तो सर चढ़ा हुआ है। मैंने 3-4 बार, मेरे हस्बैंड नीचे है तो उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है और नहीं उनके पास से मेरी मेडिसिन ला के दी जा रही है। और मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं, जो बेड़े वो भी खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जमा भोजन जो मतलब खाना वगैरह दिया गया था उसके मतलब पत्तल भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और इतनी गंदगी है कि नहीं कोरोना वायरस रहेगा तो भी हो जाएगा।